नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, आपके घर में धन संपदा और सुख समृद्धि लाने के विषय में, आपको बहुत सारी परेशानियों से बचाने के विषय में। रोज श्याम पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं एक दीपक, आपकी 100 पीढ़ियाँ भी नहाएंगी पैसों से। दोस्तों, पुरानी परंपराओं के अनुसार श्याम को घर में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है श्याम का दीपक आपके घर के दरिद्रता को दूर करता है और घर की गरीबी को खत्म करता है। दीपक जलाने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और घर की गरीबी दूर हो जाती है। दोस्तों, दीपक का ये एक रामबाण उपाय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि घर में दीपक कहाँ जलाएं। दोस्तों, तुलसी सभी के घरों में होती हैं। तुलसी के नीचे दीपक जलाने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। ऐसा करने से घर की गरीबी दूर होती है। दोस्तों, घर में किसी न किसी तरह से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, जिससे ग्रह क्लेश, मानसिक तनाव आदि का शिकार होना पड़ता है। ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए घर की छत पर श्याम को एक दीपक जलाएं, जिससे अंधकार भी दूर होगा और नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी। माना जाता है कि पीपल के पेड़ में शनि देव का वास होता है। यदि घर के आसपास पीपल का पेड़ है तो श्याम के समय पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाएं। ऐसा करने से शनि के साथ ही राहु केतु के दोष भी खत्म हो जाते हैं। शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है और पीपल की पूजा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। घर के मंदिर में पूजा करते समय श्याम को एक दीपक जलाएं। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती और उस घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं और फल पाना चाहते हैं, तो इनमें से किसी भी एक उपाय को कर अपनी मनचाही इच्छा को आप पूरा कर सकते हैं और घर में सुख शांति और धन संपदा को ला सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।